दोस्तों, जंगल जंग का अखाड़ा है। यहां हर सेकंड्स एक नई जंग का ऐलान है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस जंगल का सबसे खूंखार शिकारी कौन है? क्या होगा जब नागराज और तेंदुए का आमना सामना होगा? क्या मगर राजा नागराज के जाल से बच पाएंगे, या पाइथन मगरमच्छ की हड्डियों का चूरमा बना देगा? क्या जंगल के चोर खाना चुरा पाएंगे, या खुद तेंदुए का शिकार बन जाएंगे? जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तेंदुआ वर्सेस ज़ेब्रा। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जंगल के सबसे खतरनाक और खोखार बिल्ली कौन सी है? मैं बताता हूँ, ये है तेंदुआ। लेपर्ड को जब भी भूख लगती है वो जंगल में उथल पुथल मचा देता है। यहाँ वाइल्ड बीस्ट की टोली मस्त धूप सेक रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी मौत नजदीक है, तो सभी वाइल्ड बीस्ट अपनी जान बचाकर भागने लगे। इन्हीं के झुंड में छिपकर एक ज़ेब्रा मम्मी ने अपने बच्चे और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तेंदुए की नजर से बचना कहां आसान था। तेंदुआ फौरन आया और बेबी ज़ेब्रा को मजबूती से पकड़कर घसीटता हुआ ले गया, और बेचारी ज़ेब्रा मम्मी कुछ नहीं कर पाई और तेंदुआ मस्त अपने भोजन का लुफ्त उठाने लगा। नंबर 2, लेपर्ड वर्सेस पाइथन। यहां मम्मी लेपर्ड अपने छुटकू बच्चे की भूख शांत करने के लिए शिकार पर निकली थी। तभी मम्मी लेपर्ड की नजर एक विशाल रॉक पाइथन पर पड़ जाती है। अब मादा तेंदुए को लगता है कि इससे तो मैं अभी चटकर जाऊंगी, इसलिए मम्मी लेपर्ड उस पर हमला करने पहुंच जाती है, जब रॉक पाइथन बड़े आराम से सो रहा था। लेकिन जैसे ही लेपर्ड ने उसकी नींद तोड़ी, पाइथन को गुस्सा आ गया और मम्मी लेपर्ड को पाइथन लपेटे में लेने लगा। पर मम्मी लेपर्ड भी कहां कम थी, उसने भी 2 राउंड मारे और पाइथन के चंगुल से बाहर। पर लगता है मम्मी लेपर्ड आज कसम खा के आई है कि भूख शांत करूंगी तो सिर्फ पाइथन से, वरना नहीं। चलिए इन्हें इनकी प्रतिज्ञा पूरी करने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लगता है आपस में बिल्कुल नहीं बनती, मतलब जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं वैसे ही शुरू हो जाते हैं, खासकर लेपर्ड। यहां तेंदुए ने देखा कि पाइथन मस्त पेड़ के नीचे सुस्ता रहा है। लेपर्ड दौड़ा दौड़ा आया और आते ही पाइथन को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। पाइथन बोला, अरे मुझे क्यों तोड़ा। इस पर लेपर्ड की और सटक गई और उसने पाइथन को एक के बाद एक कई चपेटे लगाई। वहीं पाइथन, जो एक चुम्मी में किसी का भी काम तमाम कर सकता है, वो लेपर्ड से बचकर भागता नजर आया। पर लेपर्ड ने तब तक हार नहीं मानी जब तक कि पाइथन के शरीर से आत्मा नहीं निकल गई। पाइथन को ऊपर रवाना करने के बाद लेपर्ड ने मस्त नींद ली और फिर इत्मीनान से लजीज खाने से पेट पूजा की। नंबर 3, लेपर्ड वर्सेस आईना। भाई, जंगल की दुनिया में जब भी चोर शिकारी का नाम आता है, तब तब एक खिलाड़ी की याद आती है, और वो है लकड़बग्घा। जी हाँ दोस्तों, हाइना। हाइना खुद से शिकार करने से ज्यादातर दूसरों का शिकार चुराने और चटकर जाने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ लेपर्ड भाई साहब ने पूरी मेहनत करके आज का दिन बनाया, मेरा मतलब खाना तैयार किया, डाइनिंग टेबल पर सजाकर एक दो बाइट खाया ही था कि तभी हाइना चोर टपक आया और खाना छीनने लगा। थक हार कर लेपर्ड ने भी कहा, चल एक दो बाइट ले जा, और हाइना मस्त नाश्ता लेकर भागता बना। लगता है आज लेपर्ड भाई साहब मूड में नहीं है, वरना लकड़बग्घा 4 की जगह 2 पैरों पर चलकर जाता। लो जी, यहां तो उल्टी गंगा बह गई। अब तक हाइना तेंदुए का खाना चुराता था, लेकिन अब तेंदुए ने ही ये धंधा शुरू कर दिया। देखिए कैसे हाइना के शिकार पर डांका डालने पहुंच गया। तेंदुए को देखकर हाइना उसे अड़काता है, तेंदुआ भी शांत बैठ जाता है, लेकिन मौका मिलते ही तेंदुआ अचानक हमला करता है और पूरा का पूरा लंच उठाकर रफू चक्कर हो जाता है। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से, लगे रहो भाई। नंबर 4, क्रोकोडाइल वर्सेस पाइथन। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि पानी का राजा किसे कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं, ये मगरमच्छ है। और आज होने वाला है भयानक युद्ध मगर राजा और पाइथन के बीच। दोनों ने पानी में अपना राज जमाने के लिए एक दूसरे को दबोच लिया है। मगरमच्छ के नुकीले दांतों ने पाइथन की खाल को नोच डाला है, तो वहीं पाइथन की पकड़ ने मगरमच्छ को कुचल डाला है। काफी देर तक ये दोनों इसी तरह एक दूसरे को बाहों में जकड़े रहते हैं और आखिरकार दोनों ही इस दुनिया से रवाना हो लेते हैं। भगवान दोनों को सद्बुद्धि और स्वर्ग दे। यहाँ पाइथन को पानी में आता देख मगरमच्छ की तो बल्ले बल्ले हो गई। उसने फुर्ती के साथ पाइथन की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। पाइथन भी समझ गया कि आज तो मौत नजदीक है, इसलिए पाइथन दम दबाकर भागता बना। लेकिन मगरमच्छ भी नहा धोकर पाइथन का पीछा करने ही आया था, इसलिए उसी के पीछे पीछे निकल लिया। भगवान जाने इस पाइथन का क्या होगा। मगरमच्छ को यूं ही नहीं किलर का दर्जा दिया जाता है, बल्कि ये खोखार किलर है।
यहाँ पाइथन ने गलती से मगरमच्छ को उंगली कर दी। भाई ने उंगली भी का जवाब नुकीले दांतों से दे दिया और पाइथन की बॉडी को अपने नुकीले शटर के अंदर बंद कर लिया। पाइथन ने खूब हाथ पैर मारे तब कहीं जाकर ये शटर खुला। उसके बाद तो पाइथन ऐसे भागा कि पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। इसलिए कहते हैं पाइथन और इनके रिश्तेदार एलिगेटर से बच कर रहे। मगरमच्छों की बस्ती में जाना बोले तो मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन शायद इस पाइथन की मम्मी इसे ये बात बताना भूल गई, इसलिए पाइथन मगरमच्छ की बस्ती में जाने की गुस्ताखी कर बैठा। और फिर क्या था, मगरमच्छ ने भी टेढ़ी निगाहें से पहले तो इसे जमकर घूरा और फिर इसकी आंतों को फ्रेंच फ्राइज की तरह चबाने लगा। बेचारा पाइथन ऐसी मौत के बाद ऊपर वाले से एक ही बात कहेगा, हे प्रभु मुझे अगली बार मगरमच्छ बनाना। एक युद्ध यहाँ भी छिड़ा पड़ा है और हर बार की तरह इस बार भी शिकस्त नागराज को ही मिली है। क्रोकोडाइल ने पहले तो नागराज को नुकीली नुकीले दांतों के जाल में फंसाया और फिर उसे पानी में धोबी पछाड़ लगाकर गरम तेल के तले जाने वाले पकौड़े की तरह तल डाला। और जब नागराज ने दम तोड़ दिया तो मगरमच्छ ने मजे से इस टेस्टी खाने को पेट में उतारा। वाकई मगरमच्छ तो बड़ा खतरनाक है रे बाबा, लगता है पाइथन की प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा मगरमच्छ ही है। नंबर 5, पाइथन वर्सेस लैपर्ड। साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में पाइथन तालाब में नहा धोकर मस्त अपने घर की तरफ जा रहे थे। धूप अच्छी थी तो पाइथन ने सोचा थोड़ी देर यहीं ठहर लूं और कुछ देर आराम करने के बाद वो इस पहाड़ी वाले रास्ते पर चढ़ने लगा। लेकिन तभी एंट्री हुई तेंदुए की, जो पाइथन को देखकर लार टपकाने लगा। पाइथन ने तेंदुए पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तेंदुए ने मौका देखते ही पाइथन की पूंछ पकड़ ली और पाइथन धड़ाम। तेंदुआ यही नहीं रुका बल्कि वो आगे बढ़ा और पाइथन को पीछे से पकड़कर वहां से भागने लगा। लेकिन पाइथन ने भी दिमाग लगाया और जैसे तैसे करके तेंदुए के जाल से बच बचाकर वापस तालाब में चला गया और तेंदुआ देखता रह गया। दोस्तों, ये थे जंगल की दुनिया के कुछ खतरनाक जानवर, उनके खतरनाक हमले। और आपको इनमें से कौन सा हमला सबसे डेंजरस लगा और कौन सा जानवर ज्यादा ताकतवर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, हाँ जी सारा काम फिनिश कर डालिए। अगले वीडियो में मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।